हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, इंडिया रिमाइंस म्यांमार टू रिटर्न टू फेडरल डेमोक्रेसी। तो इंडिया ने म्यांमार को बोला है फेडरल डेमोक्रेसी पे आप वापस से रिटर्न हो। क्या है ये फेडरल डेमोक्रेसी, चलिए देखते हैं। एज कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइज बिटवीन आर्म फोर्स आर्म रेजिस्टेंस ग्रुप एंड द म्यांमार मिलिट्री इन द चीन शान एंड सागाइंग प्रोविंस, इंडिया ऑन वेंसडे रिमाइंडेड म्यांमार टू रिटर्न ऑन द पाथ ऑफ फेडरल डेमोक्रेसी। द मैसेज वॉज डिलीवर्ड बाय फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा, हु हेल्ड फॉरेन ऑफिस कॉन्सुलेशन विथ म्यांमार। म्यांमारीज डेलीगेशन लेड बाय डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द म्यांमार यूएल विंग ओ। अ ट्रांजिशन, बोथ साइड हेल्ड डिस्कशन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इशूज कवरिंग द सिचुएशन अलॉन्ग द बॉर्डर, सिक्योरिटी, ट्रेड, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, स्टेटस ऑफ बायलेटरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन म्यांमार एंड कंसर्न रिलेटेड टू ट्रांसनेशनल क्राइम्स। द इंडियन साइड रिइटरेटेड टू सपोर्ट इट्स सपोर्ट टू म्यांमार फॉर अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ फेडरल डेमोक्रेसी, सेड अ प्रेस नोट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑन वेंसडे। म्यांमार्स मिलिट्री हैज़ बीन बैटलिंग आर्म्ड इंसर्जेंट हु हैव फोर्स्ड इट आउट ऑफ सेवरल टाउनशिप्स ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स। Following intense fighting, thousands of Myanmarese nationals, including former military personnel, recently sought refuge in India. Deep concern. The official spokesperson of the Ministry of External Affairs, Arindam Bagachi, expressed deep concern over the conflict. About Wednesday discussion, Mr. Bagachi said two sides discussed the security situation, border management, and transnational crimes. Support took continues. The Indian side said that continue to support people-centric socio-economic developmental projects, including connectivity projects and projects under the Rakhine Strait Development Program and Border Area Development Program for the benefits of the people of the Myanmar, MEA said. अब आप देखिए, हमारे लिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। सबसे पहले इंडिया, ये रहा, यहाँ पे ये म्यांमार है, ठीक है, ये इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट है, ऊपर में आपका चाइना आ गया। तो ये आपका म्यांमार का बॉर्डर, म्यांमार इंडिया बॉर्डर शेयर करते हैं यहाँ पे, आप देखिए, ठीक है। उसके बाद से ये तो एक लोकेशन हमारी इम्पोर्टेंट होगी। सेकेंड, फेडरल डेमोक्रेसी क्या है? फेडरल डेमोक्रेसी क्या है? कहीं भी क्वेश्चन आ जाएगा इसके ऊपर, फेडरल डेमोक्रेसी क्या है, नीचे में चार पॉइंट दे देगा, बोलेगा ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर। तो फेडरल डेमोक्रेसी वहाँ वो है जहाँ पे आपका, आप देखिए, स्टेट्स और यूनियन, मतलब यूपी, बिहार, ये स्टेट्स हो गए, इंडिया यूनियन हो गया। मैं इंडियन स्टेट की बात नहीं कर रहा यहाँ पर अभी, स्टेट एज ए स्टेट बोल रहा हूँ मैं, यूनियन को मैं यूनियन बोल रहा हूँ, सेंट्रल स्टेट आप बोल लीजिए, सेंट्रल स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट की कंडीशंस जो होती है, स्टेट को हमने पावर दी हुई है, स्टेट हैज़ सम पावर, वो कौन सा पावर है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में पता है हम लोगों को। उसके बाद से फेडरल डेमोक्रेसी हो गया, ये हमें अच्छे से ये वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, कैसे स्टेट के बिना कोई कोई अमेंडमेंट्स नहीं हो सकते हैं, जो फेडरल नेचर, 50% ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट चाहिए हमें, अगर हमें कोई ऐसा इशू चेंज करना है, अमेंड करना है, जिसमें स्टेट भी अफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। फेडरल डेमोक्रेसी, स्टेट को भी वैल्यू करो, सिंपल सी बात, वैल्यू योर स्टेट, वैल्यू योर स्टेट, ठीक है। अब आप देखिए, ट्रांसनेशनल क्राइम, बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इशू, इनके ऊपर बात हो रही है, क्योंकि हमारा ये जस्ट नेबर है यहाँ पे, हमने देखा, ठीक है। और आप देखिए, कंटिन्यू कर रहा है इंडिया वहाँ पे अभी भी वो करने के लिए, इन्वेस्ट कर रहा है अलग अलग प्रोग्राम्स में, कौन से प्रोग्राम में, जो पीपल ऑफ म्यांमार के लिए बेनिफिट रहे। तो पीपल सेंट्रिक इंडिया का डेवलपमेंट है वहाँ पर, कि लोगों को कोई परेशानी ना हो और गवर्नमेंट को भी हेल्प कर रहा है। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।